भाई यार इस मूवी की जो एंडिंग है ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मतलब यार इसकी एंडिंग देख के मैं शॉक हो गया था और मुझसे अब तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है वो लास्ट में अधूरी छोड़ दी गई है और आगे कंटिन्यू होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं सच में बहुत ज़्यादा बेताब हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। पता नहीं यार ये साउथ वाले कहाँ कहाँ से स्टोरी ढूंढ के लाते हैं। 333 भाई ये कंसेप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा, अलग लगा। 3:33 पर जो इंसान के साथ में चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, और तीन के पीछे का जो राज है सबसे बड़ा वो आप जब जानोगे दोस्तों आप सच में शॉक होने वाले हो। वेल ये एक हॉरर ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है जो कि लगभग 2 घंटे 13 मिनट की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक काथिर नाम का बंदा जो कि अपनी फैमिली के साथ में नए घर में शिफ्ट होता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसको एक वॉच गिफ्ट देती है, तो वो उसको कहती है कि तुम अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई भी टाइम सेट करो और तुम्हें कुछ सरप्राइज मिलेगा। जब वो टाइम सेट करता है यानी कि 333, उसकी ज़िंदगी वहीं से नर्क बनना शुरू हो जाती है। यानी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बवाल होने लगते हैं, उसको कुछ ऐसे नाइटमेयर आते हैं, उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है। यानी कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पथल होने लगता है। अब आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएगी और क्या कुछ होगा ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक आपको अपने साथ में कनेक्ट कर लेगी, और जितने भी करेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस आपको कमाल की लगने वाली है। और ये पूरी की पूरी मूवी एक ही घर में शूट की गई है दोस्तों। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो एंगेजिंग है, आपको बांध के रखेगा। तो आप इस मूवी की तरफ दोस्तों जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मुझे इस मूवी के अंदर जो कंसेप्ट है 3:3 का वो मुझे अच्छा लगा, और ये 3:33 जब उस बंदे की लाइफ में अहम भूमिका निभाती है तो आपको पता चलेगा कि भाई उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, यही सब जानने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7/10। तो दोस्तों आप जब इस मूवी को देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।